We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. खबर है कि तालिबान नेता अब्बास स्तानकज़ई ने पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात की। तुलू न्यूज़ के मुताबिक कतर में दोनों के बीच मुलाकात हुई है और दावा है कि इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में ताजा हालात और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि आज ही सरकार भी बनने की घोषणा हो सकती है तालिबान की ओर से, और ऐसे में पाकिस्तान की मुलाकात हुई है अब्बास स्तानकज़ई से और स्तानकज़ई को अहम भूमिका मिल सकती है तालिबान की सरकार में। कहा जा रहा है कि स्तानकज़ई को विदेश मंत्रालय सौंपा जा सकता है और ऐसे में ये मुलाकात कितनी अहम है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सरकार बनने से पहले ये मुलाकात आखिर कितनी अहम मानी जा रही है, किस तरह से देखा जाए इस मुलाकात को? देखिए, स्तानकज़ई ने अब से कुछ ही दिन पहले भारत के राजदूत से भी मुलाकात की थी और कतर में ही मुलाकात किया था, और पाकिस्तान के एम्बेसडर से जो मुलाकात हुई है वो भी कतर में हुई है। लेकिन पाकिस्तान बहुत क्लोज है तालिबान के मामले की अगर बात करें तो। पाकिस्तान उन देशों में शामिल था जिसने, उन तीन देशों में शामिल है जिसने पिछली तालिबान सरकार को भी रिकॉग्नाइज किया था, तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था। तो ऐसे में पाकिस्तान से इस मुलाकात के दौरान असिस्टेंस, जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, सरकार फॉर्मेशन की जो बात है, तमाम मसलों पे चर्चा हुई है दोनों नेताओं के, दोनों स्तानकज़ई और वहां के पाकिस्तान के एम्बेसडर के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी आने वाले वक्त में भारत के लिहाज से, ये देखना होगा कि पाकिस्तान की भूमिका क्या होती है, क्योंकि कल ही संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई और उसमें दोनों नेताओं ने यह साफ किया है कि क्षेत्रीय मसलों पर चर्चा के दौरान दोनों की अफगानिस्तान पे भी चर्चा हुई है और ये साफ किया है दोनों ने कि आतंकवाद को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यानी साफ संदेश है कि कोई भी हो, तालिबान हो या कोई और हो, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दें आपको शिवानी, कि संयुक्त अरब अमीरात जो उन देशों में शामिल था, उन तीन देशों में शामिल था पाकिस्तान के साथ जिसने पिछली तालिबान सरकार को मान्यता दी। जी बिल्कुल नीरज, और यहाँ पर पाकिस्तान ये भी चाहेगा कि जो सरकार है उसमें उसको अहम भूमिका मिले, क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत की खबर है? जी प्रश्न दोहरा जी नीरज, जो पाकिस्तान है वो भी ये चाहेगा कि तालिबान में जो अब सरकार बनने वाली है जिसकी घोषणा आज हो सकती है उसमें वो चाहेगा कि उसको भी कोई अहम जिम्मेदारी जरूर मिले, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हुई है? देखिए, तालिबान के जो भी नेता वो बहुत पाकिस्तान के करीब है और ये माना जाता है कि तालिबान की जो सफलता बहुत आसानी से अफगानिस्तान में रही है उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी सरकार तालिबान के नेतृत्व में बनेगी अफगानिस्तान में उसमें पाकिस्तान के अहम स्टेक होगा और पाकिस्तान की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन तालिबान जो सरकार बनाएगा वो ईरान के मॉडल पे अपनी सरकार बनाएगा, तो पाकिस्तान के मॉडल पे नहीं बनाएगा, लेकिन चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर, ये ऐसे देश है जिनका प्रभाव वहां की सरकार पर रहेगा। बिल्कुल, यानी कि प्रभाव रह सकता है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उनकी मुलाकात हुई है स्तानकज़ई के साथ और आज ही तालिबान अपनी सरकार की घोषणा भी कर सकता है। वहीं पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग और तेज हो गई है। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का दावा भी किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की बात का समर्थन किया और पंजशीर को झुका देने का दावा किया। साथ ही मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह साले के विदेश भाग जाने का भी दावा कर दिया गया। लेकिन इसके बाद सीएनएन न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह साले ने इन सभी बातों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान का दावा किया है। इस दौरान एनआरएफ की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और तालिबानी लड़ाकों को घेर लेने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि लगातार अफगानिस्तान में अब हालात खराब होते जा रहे हैं और तालिबान वहां पर अपनी सरकार की अब घोषणा कर सकता है। लेकिन पंजशीर एक ऐसा इलाका माना जा रहा था जहां ये कहा जा रहा था कि तालिबान कभी यहां अपना कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन जंग वहां पर लगातार जारी है जो एनआरएफ है और तालिबान के बीच में, और अब तालिबान की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि उसने पूरे पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया है और साथ साथ पूरे के पूरे अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, ये उसकी ओर से लगातार दावा किया जा रहा है। और ये देखिए,
ये पंजशीर का इलाका है जहां पर गोलीबारी की आवाज आप सुन सकते होंगे। इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, टैंकों का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तोपें दागी जा रही हैं, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। ये पंजशीर का इलाका है अफगानिस्तान में, जहां पर एनआरएफ और जो तालिबानी लड़ाके हैं उनके बीच में ये जंग लगातार जारी है। फायरिंग की आवाज लगातार, देखिए सुनिए किस तरह वहां पर हालात अब बनते जा रहे हैं। और अब तालिबानी दावा कर रहा है कि उसने पूरे के पूरे पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि एनआरएफ का कहना है कि उसने तालिबान के लड़ाकों को ढेर कर दिया है। जमीनी हकीकत क्या है, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही ओर से कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए अफगानिस्तान की हैं, जहां पर तालिबानी लड़ाके किस तरह हाथ में बंदूक लिए गश्त कर रहे हैं सड़कों पर, किस तरह खौफ की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं और लोग मजबूरन अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर बहुत जरूरी है तो ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए तस्वीरें किस तरह लगातार अब गश्त की जा रही है। जो तालिबानी इलाके हैं पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर अब उनका कब्जा हो चुका है। और अब पंजशीर में जिस तरह से फायरिंग हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वहां पर क्या हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि लगातार ही दावा किया जा रहा है तालिबान की ओर से कि उसने पंजशीर पर अपना कब्जा कर लिया है। ये देखिए पंजशीर में फायरिंग हो रही है। पंजशीर ऐसा इलाका माना जा रहा था जहां पर ये कहा जा रहा था कि कभी भी तालिबान अपना कब्जा नहीं जमा पाएगा, और वहां पर जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है वो लगातार तैनाती बनाए हुए है और इनका लगातार सामना भी कर रही है तालिबानी लड़ाके जो वहां पर मौजूद है। और एनआरएफ की ओर से ये कहा जा रहा है कि उसने तालिबान के कई लड़ाके ढेर कर दिए हैं, उसकी ओर से एक ट्वीट भी किया गया। हालांकि तालिबान उसकी ओर से ये कहा गया है कि अब पंजशीर पर उसका कब्जा है, और साथ साथ जो अब्दुल्ला साले हैं जिन्होंने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया था वो विदेश भाग गए हैं, वो वहां से फरार हो गए हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, ये गोलियों की आवाज सुनिए, पंजशीर का ये इलाका है, इस तरह फायरिंग हो रही है। आवाजें भी आप सुन सकते होंगे जो वहां पर लड़ाके लड़ रहे हैं उनकी आवाजें हैं, और दोनों ही ओर से फायरिंग हो रही है, चाहे तालिबान की ओर से हो या फिर पंजशीर के भीतर जो एनआरएफ फ्रंट है उसकी ओर से। और देखिए किस तरह टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस जंग में, यानी कि पूरी पूरे इंतजाम के साथ लड़ाई हो रही है दोनों ओर से, और दोनों ही ओर से बुरी तरह से जंग छिड़ी हुई है, और अब ये जंग और ज्यादा तेज हो गई है। और तस्वीरें, गोलियों की आवाज आपने सुनी होगी, और धुएं का जो गुबार आप देख रहे थे दरअसल वो एक गाड़ी जलकर खाक हो गई, जिसकी वजह से फायरिंग की वजह से ये हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। فعلا در سنگرای ما ادامه داریم، جنگ ما ادامه دارد، دشمن تارمار شده، فعلا این سلاح دست داشته ما دست طالب گرفته میش مرداش دست زمین مون دست اینجا پیشروی کل مردم। अब आपको कुछ तस्वीरें काबुल की दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जे का दावा करते हुए काबुल में जबरदस्त हवाई फायरिंग की। काफी देर तक तालिबान के लड़ाके जश्न मनाते हुए काबुल की सड़कों पर फायरिंग करते रहे। जरूर सुन रहे होंगे, और आपको ये बता दें कि काबुल की तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और काबुल में जैसा कि तालिबान ने ये दावा किया था कि पूरे के पूरे पंजशीर पर अब उसने अपना कब्जा जमा लिया है, यानी कि इसी के साथ साथ पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है। और इसी खबर को सुनते ही जो तालिबानी लड़ाके वहां पर काबुल में मौजूद थे उन्होंने जश्न मनाया, और जश्न मनाने का उनका तरीका तो आप जानते ही हैं, गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं, हवाई फायरिंग करते हुए काबुल में इस बात का जश्न मनाया गया कि पंजशीर पर उन्होंने अपना पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली पंजशीर की है, वहां जबरदस्त फायरिंग के बीच तालिबान के कब्जे की अफवाह उड़ी, और काबुल में इसकी जानकारी मिलते ही तालिबानी लड़ाकों ने हवाई फायरिंग की और जीत का जश्न मनाया। ये दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह पंजशीर में घमासान जारी है, और रात को जैसे ही खबर पहुंचती है तालिबानी लड़ाकों के पास वो जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि एनआरएफ की ओर से कहा जा रहा है कि तालिबान को वो लोग लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं,
और कई ऐसे तालिबानी लड़ाके हैं जिनको उन्होंने ढेर भी कर दिया है। यानी कि पंजशीर में अब और ज्यादा घमासान होने के आसार लगाए जा रहे हैं। और वहीं काबुल में किस तरह फायरिंग की गई, जश्न मनाया गया तालिबान की ओर से, वो भी तस्वीर देखिए। और इस बीच पंजशीर में जारी घमासान की कुछ और तस्वीरें आईं, जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगाने लगा कि पंजशीर में दोनों तरफ से जबरदस्त वार हो रहा है। जो तस्वीरें आईं उनमें दिखा कि एनआरएफ के लड़ाकों को ऊंचाई पर होने का फायदा मिला और उन्होंने नीचे से ऊपर आ रही एक गाड़ी को उड़ा दिया और वो वहीं जलने लगी। गाड़ी में इतनी जबरदस्त आग लगी कि धुआं आसमान छूने लगा। इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पंजशीर की पहाड़ियां गूंज उठी। वहां से आई एक और तस्वीर में कुछ लड़ाके जोश में दिखे और दुश्मन पर वार करते हुए नजर आए। देखिए तस्वीरें, गोलियों की आवाज आप सुन सकते होंगे और जो काला धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा है, दरअसल जो एनआरएफ मौजूद है वो ऊंची पहाड़ी इलाकों में मौजूद है और वहां नीचे से एक गाड़ी को जैसे ही एनआरएफ की टीम ने आते हुए देखा, उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन पंजशीर में तालिबान से जंग लड़ रहे अमरुल्ला साले ने सीएनएन न्यूज 18 से बात करते हुए पंजशीर पर कब्जे की बात को अफवाह बताया। उन्होंने अपने देश छोड़कर भाग जाने की खबर को भी तालिबान का झूठा प्रोपेगेंडा कहा। उन्होंने दावा किया कि वो पंजशीर में बैठकर सीएनएन न्यूज 18 से बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस हालात को संभालने में जुटे होने और पंजशीर पर सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अलकायदा और तालिबान की तरफ से हमले होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने किसी भी इलाके में नहीं खोने की बात कही। Media reports about my escape from Afghanistan is baseless. I am in my base in the Panjshir Valley. I'm talking to you from there. I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties, no doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape, we will not surrender. We are standing for Afghanistan. Resistance is continuing. अफगानिस्तान के ताजा हालात पर भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हर कदम पर भारत और अमेरिका नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने तालिबान से भारत की अब तक हुई बातचीत का हवाला देते हुए उम्मीद जताई कि तालिबान सभी मुद्दों को सही तरीके से हल करेगा। Our engagement with them has been limited and it's not that we have a very robust conversation, but for whatever conversations we've had so far, I mean, they've been sort of at least Taliban seem to indicate that they will be reasonable in the way they handle things. अफगानिस्तान में आज नई सरकार का ऐलान हो सकता है। वहां कल ही सरकार का ऐलान होना था लेकिन कल इसका ऐलान नहीं हो सका। अब उम्मीद जताई जा रही है कि वहां आज सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। अफगानिस्तान की मीडिया के खबरों के मुताबिक नई सरकार का नेतृत्व मुल्ला बरादर करेगा।
सरकार में 50% हिस्सेदारी तालिबान की होगी, तो वहीं 50% हक्कानी और हिकमतयार जैसे संगठन को देने का फॉर्मूला तय किया गया है। तालिबान की 50% हिस्सेदारी में 80% हिस्सेदारी दोहा तालिबान की होगी। शेर अब्बास स्टैनिकजई को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के बारे में विचार किया जा रहा है और हामिद करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला को भी सलाहकार के तौर पर जगह मिल सकती है। ये सरकार केयरटेकर सरकार होगी। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि अगले वसंत या फिर गर्मी के मौसम तक अफगानिस्तान का नया संविधान बना लिया जाएगा। खबर है कि मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान सरकार का सरदार बनाया जाएगा। आपको बताते हैं अब्दुल गनी बरादर कौन है। बरादर तालिबान का संस्थापक सदस्य है और यही नहीं, बरादर को तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी माना जाता है। मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में बरादर का नाम लिया जाता है और 2010 में पाकिस्तान में अब्दुल गनी बरादर को गिरफ्तार किया गया था। बरादर को 2018 में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख बनाया गया था। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के साथ हुई वार्ता में बरादर शामिल रहा। यानी कि जो सरकार अब बनेगी उसमें अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में यह सरकार बनाई जा सकती है और अब्दुल गनी बरादर तालिबान का संस्थापक सदस्य रह चुका है। यही नहीं, बरादर को तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी भी माना जाता है और साथ साथ मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में बरादर का नाम शामिल है। 2010 में पाकिस्तान में अब्दुल गनी बरादर को गिरफ्तार भी किया गया था और वहीं बरादर को 2018 में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख भी बनाया गया था और कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के साथ हुई वार्ता में बरादर शामिल रहा और यही वजह है कि उसको अब तालिबान की कमान दी जा सकती है। एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि अफगानिस्तान में फंसे करीब 180 सिख हिंदू अगले हफ्ते तक भारत लौटेंगे। विश्व पंजाबी संगठन के अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह साहनी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां फंसे 180 सिख और हिंदुओं को जल्द ही भारत लाया जाएगा। पिछली बार जो प्लेन आया था C-17 उससे वो लोग वापस नहीं आ पाए थे, तो वो लोग अभी कहां हैं और अगले कितने दिनों में उनकी वापसी होगी? ये जो 180 हमारे अफगान हिंदू और सिख वहाँ रह गए हैं, जो बाल बाल बच गए उस दिन बम धमाके से एयरपोर्ट आ रहे वापस चले गए, अब वो अपने घरों में चले गए हैं। लेकिन अभी जैसे ही काबुल एयरपोर्ट खुलेगा 3-4 दिन में, तो हम MEA से भी इन टच हैं, उन्होंने भी दोहा में तालिबान से बात की है, हमारे सिख भाईचारा भी तालिबान से बात कर रहा है, तो अगले हफ्ते तक उनको हम भारत वो आ जाएंगे। और जैसे हमने पिछले साल 3 प्लेन भेज के 520 लोगों को रिहैबिलिटेट किया माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इनका भी 1 साल का रिहैबिलिटेशन हम अपनी तरफ से, इनका मंथली किराया, रहने का, घरों का किराया, बच्चों की एजुकेशन, स्किलिंग, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस वो करेंगे। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपके यहाँ TV न्यूज़ 18 में 3 दिन पहले मैंने देखा आनंद नरसिम्हन जी का प्रोग्राम, जहाँ कुछ हमारे रिफ्यूजी अफगान से जो आए, चाहे वो किसी समुदाय से हो, हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, वो कंप्लेन कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म वीज़ा में वो इधर दिल्ली में रह रहे हैं ओखला की तरफ, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं हैं, क्योंकि हमारी NGO सन फाउंडेशन एक बहुत बड़ा वर्ल्ड स्किल सेंटर चलाती है वेस्ट दिल्ली में हरिनगर में, जहाँ ये आफ्टरनून में अफगान रिफ्यूजीज के लिए हम फ्री स्किलिंग कराते हैं। तो मैंने आपके उस खबर से प्रभावित होके और आनंद नरसिम्हन जी की जो रिपोर्ट थी उससे प्रभावित होके हम आज अनाउंस कर रहे हैं कि ये जो हमारे अफगान रिफ्यूजी हैं, चाहे किसी समुदाय से, हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम भी हैं, उनको भी हम फ्री स्किलिंग, जो हमारा 8-9 महीने का डिप्लोमा है, 12 कोर्सेज हैं, वो भी हम कराएंगे, जो भी बच्चे इसमें, और उनको फिर नौकरियाँ लगवाने में भी हम जो भी हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बरादर की संभावित सरकार को महिलाओं ने चुनौती दी है। महिलाएं तालिबानी सरकार में अपनी हिस्सेदारी को लेकर हेरात में सड़कों पर उतर आई हैं। एक तरफ तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है तो दूसरी तरफ मजहब के नाम पर बन रही सरकार को लेकर कई कट्टरपंथी खुश भी नजर आए। अफगानिस्तान के हेरात में हाथों में विरोध की तख्तियां और जुबा पर नारे लेकर सड़कों पर महिलाओं का उतरना कोई मामूली घटना नहीं। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए घर के बाहर जगह ना होने की दलील देने वाले तालिबान के राज में
बुर्कानशी महिलाओं का प्रदर्शन कोई मामूली घटना नहीं। अफगानिस्तान में सड़कों पर 50 से ज्यादा महिलाओं का रैली निकालकर सभा करना कोई मामूली घटना नहीं। ये महिलाएं तालिबान के खौफ और दहशत के बावजूद घर की दहलीज लांघकर सड़कों पर निकली हैं, तो इसका एक खास मकसद है। इन महिलाओं की मांग है कि भले ही देश में तालिबान की ही हुकूमत क्यों ना हो, उनसे उनका हक नहीं छीना जाए। इन महिलाओं की मांग है कि तालिबान की सरकार में महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ये महिलाएं हेरात में गवर्नर के दफ्तर के बाहर तक पहुंच गईं और कहा कि बीते 20 साल में संघर्ष कर उन्होंने जो कुछ हासिल किया, अब वो उसे खत्म नहीं होने देंगी। حق و حقوقی که به مدت 20 سال تلاش کردین، زحمت کشیدین، دستاوردهای اخیر زنان نباید نادیده گرفته بشه. خواست ما از جامعه جهانی است که به خواسته های زنان لبیک بگن و صدای تک تک از زنان و جوانان افغانستان در سر تا سر دنیا باشن. این مهیلاؤں کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک جٹ ہیں اور انہیں اپنا حق مانگنے میں کسی کا ڈر نہیں۔ अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह महिलाओं के लिए दफ्तर के दरवाजे बंद होने की खबरें आईं, उसने इन महिलाओं को हिला कर रख दिया। महिलाओं के लिए बिना पुरुषों के घर से बाहर निकलने पर रोक और 10 साल से ज्यादा उम्र में पढ़ाई पर रोक की खबरों ने भी इन्हें झकझोर दिया। अब ये महिलाएं नारा लगा रही हैं, बुर्का पहनने को हैं तैयार, मिले पढ़ने का अधिकार। به جرم متعلم بودن و بعد از 20 سال به جرم آموزگار بودن یا زن بودن خانه نشین شدم. هرات میں مہیلائیں پردرشن کے لیے نکلیں تو اس نے کابل کی مہیلاؤں کو بھی اپنی آواز اٹھانے کی ہمت دی۔ کابل میں بھی کچھ مہیلائیں ایسی ہی مانگوں کو لے کر ویرودھ جتانے سڑکوں پر نکل آئیں۔ اس غصے کی وجہ صاف ہے، 20 سال پہلے جنہیں پڑھائی کرنے اور سکول جانے پر اپرادھی مانا۔ और इस बीच अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े के मुताबिक इन तस्वीरों में दिख रही गाड़ियां अशरफ गनी की हैं। इन तस्वीरों में काबुल की पार्किंग में खड़ी कुछ गाड़ियां और खाली बैग दिखाई दिए। दावा किया गया था कि अशरफ गनी ने इन्हीं गाड़ियों और बैगों में डॉलर भरकर देश छोड़ दिया था और उस वक्त की कुछ तस्वीरें अब सामने आई हैं। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े के मुताबिक इन तस्वीरों में दिख रही जो गाड़ियां हैं वो अशरफ गनी की ही हैं, जो अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए थे जैसे ही वहां पर तालिबान ने अपना कब्जा किया था। इन तस्वीरों में काबुल की पार्किंग में खड़ी कुछ गाड़ियां और खाली बैग दिखाई दिए हैं। और चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। चंदन, और क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या वाकई ये उन्हीं की गाड़ियां हैं अशरफ गनी की? बिल्कुल, देखिए ये राष्ट्रपति के काफिले की गाड़ियां हैं और नॉर्दर्न अलायंस का जिस तरह से दावा है कि राष्ट्रपति इन्हीं गाड़ियों से अपने फ्लाइट तक गए थे, हेलीकॉप्टर तक गए थे और इन गाड़ियों में कई बैग भी मिले हैं, इसलिए नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया इन्हीं बैग में भर करके पूर्व राष्ट्रपति जो है वो अपने साथ हजारों करोड़ों डॉलर लेकर के गए, जिस तरह से आरोप लगातार लग रहा है। तो पहली बार ये तस्वीर सामने साझा की है नॉर्दर्न अलायंस ने। नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से कहा गया है कि हमारा आरोप बिल्कुल सही था, ये बैग जो है में राष्ट्रपति भवन से बैग में डॉलर्स भर करके राष्ट्रपति यहां से फरार हुए हैं। जी चंद, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि इसी कार में अशरफ गनी भाग गए थे और ये वही तस्वीरें अब सामने आ रही हैं निकलकर। जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ पूरे अफगानिस्तान पर आरोप लग रहा था अशरफ गनी पर, जो राष्ट्रपति थे उस वक्त अफगानिस्तान के, कि वो अपने देश को छोड़कर भाग गए हैं। ये भी कहा जा रहा था कि बहुत ढेर सारा पैसा भी वो अपने साथ लेकर भागे हैं और ये अब उस वक्त की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर ये कारें आप देख सकते हैं, कार यहां पर खड़ी हैं और ये कहा जा रहा है कि उनका जो काफिला था उसी की ये कारें हैं जिनके जरिए वो एयरपोर्ट तक पहुंचे थे और कई इसके अंदर बैग्स भी हैं, खाली बैग हैं। ये कहा जा रहा है कि उन खाली बैग के अंदर पैसा था जहां पर वो पैसे भरकर अपने साथ ले गए थे और फिलहाल वो अफगानिस्तान से बाहर हैं और ये अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू की दहशत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के रवि सिंह की खबर है कि केंद्र की ओर से फिरोजाबाद से लिए गए सैंपलों की जांच में डेंगू फैलने का पता चला है। जांच के लिए पहुंची केंद्र की टीम फिलहाल फिरोजाबाद में मौजूद है। खबर है कि अब तक फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों के लिए लिए गए 200 सैंपल में 100 से ज्यादा सैंपल में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसकी पूरी रिपोर्ट सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी जाएगी। फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों में बुखार और डेंगू की वजह से पिछले दिनों कई बच्चों की मौत हो चुकी है। और यूपी के फिरोजाबाद में अब डेंगू की दहशत फैलने लगी है, जहां पर 200 सैंपल टेस्ट किए गए जिसमें से 100 सैंपल ऐसे पाए गए हैं जिनमें डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसकी पूरी रिपोर्ट
सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी जाएगी और फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों में बुखार और डेंगू की वजह से पिछले कई दिनों से कई बच्चे अपनी जान भी गंवा रहे हैं। जो उनके माता पिता हैं लगातार वो परेशान हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है। न्यूज 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।